गाइस, मैं आज को आप आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपने लैपटॉप या फिर पीसी में अगर फाइल ट्रांसफ़र करनी है, अगर आपने मोबाइल से वीडियो बनाई है उसे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफ़र करनी है, मैं आपको बताऊंगा आज। पहले देखो, मैंने यहाँ पर मोबाइल का यूएसबी केबल डाल दिया यहाँ पर और मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। देखो ऐसे, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये आता है, इसे क्लिक कर देने। अगर नहीं आता तो ऊपर नोटिफिकेशन दिया होता है कि यूएसबी केबल कनेक्टेड है, उसे क्लिक करके आप फाइल ट्रांसफ़र ऑन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फिर जिस पीसी ओपन करना है, बाद में मेरे फ़ोन का नाम है रेडमी नोट 8, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। बाद में इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज पे क्लिक करना है। बाद में DCIM मतलब कैमरा वाली जो भी आपने वीडियो बनाई है कैमरा से, उसे यहाँ पर क्लिक कर देना है DCIM पे। बाद में यहाँ पर कैमरा क्लिक कर देना है। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रही है मेरी वीडियो, सबसे नीचे है। मैं उसे फाइल ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो वाली वीडियो बनाई है। ये देखो यहाँ पर ये रही सबसे नीचे आती है जो भी आपने वीडियो बनाई है, कॉपी कर देना है। बाद में यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर से पेस्ट कर देना है। बाद में ये देखो ये होने चलने लग जाएगी। इसे कंप्लीट होने के बाद आपने बता दो कैसे क्या करना है, इसे होने जाने दो। अब देखो यहाँ पर पेस्ट कर देना है फिर डेस्कटॉप, ऐसे राइट क्लिक करके डेस्कटॉप खाली से यहाँ पर कर देना है पेस्ट। यहाँ पर फिर से ये आ जाता है, आपने इसे बंद कर देना है। ये देखो ये भी मेरी वीडियो, ये फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है। आप भी ऐसे ही कर लेना, यही एक तरीका है जिससे आप अपने वीडियो को फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो लैपटॉप में या फिर पीसी में।